कोनो दुल्हन अपना सुहागरात वाली कोठरी में पहुंचल बा, ओकर दुल्हा गई तो दुल्हा के संगतिया इंतजार कर थोसन की जब बिहने आई तो बड़ा बढ़िया न्यूज दही। और दुल्हन के संगतियन के ई पता ना कि ई न्यूज दहे से पहले ही फ्यूज होके आई भाई उहे जब ना होके के चाहत रहे। रात बढ़िया से न बीतल दुल्हा फ्यूज हो गई। बाहर आई संगतिया इंतजार करना कारे भाई कैसे बीतल हो नीमन बीतल है ना। कहा था संगतिया यार जवन तुलहन चाहत हो सन ऊ तो ना भयल है। कहे कहे खाजा लड्डू न फोड़ले हो कहे में लड्डूया फोड़े जो भैले ना हो। संगतिया पूछत सन कहे रे सुहाग राते के दीना तू मान गई ले कहे मानने वाली कुछ बात रल। संगतिया पूछल सन कौन बात रल की मान गई ले है तो दोस्त बतावे ऊ दुल्हा अपना संगतियन से का बतावे। मौज मस्ती बदे आज भारत के सबसे बड़े देवता की जयंती समारोह में हम सब शामिल हैं। हालांकि कहने को तो इनसे भी बड़े बड़े देवता पड़े हुए हैं भारत में। बहुजन समाज के लोगों कंफ्यूज मत होइएगा, मैं देवता बोल रहा हूं भगवान नहीं। देवता और भगवान में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। देवता उसे कहते हैं जो हमको और आपको देने की क्षमता रखता हो, देवता। हालांकि मैंने बताया कि बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे आकलन के मुताबिक आप मॉनिटर बढ़ा के रखेंगे आउटपुट आपका ज्यादा है। मेरे आकलन के मुताबिक भारत के सिर्फ एक देवता है जिस देवता का नाम है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और जिन्हें आप देवता कहते हैं वो बाकी सब लेवता है। देवता नहीं है वो लेवता है। उन्होंने कुछ आपको दिया ही नहीं, उन्होंने बल्कि लिया। बल्कि वो लोग कुछ लोगों के मैनेजर का काम करते हैं ना, वो बैठ जाते हैं अपना रूप बना करके, उनके रूप के आड़ में कोई और दुकानदारी चलाता है। तो भारत के सबसे बड़े देवता की जयंती है, और यह जयंती केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाती है हर साल। दुनिया का कोई ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिनकी जयंती अपने देश को छोड़कर के अदर देशों में मनाया जाए। यहाँ तक कुछ ऐसा महापुरुष ऐसा देवी देवता हुआ कि बिहार में मनावल जी तो यूपी में जन्मे ना करे कि उनका पूजा कैसे होला। अगर यूपी में पूजा था यहाँ तो बिहारी ना जाना था कि वो देवी देवता का पूजा कैसे होला। कुछ तो ऐसे देवी देवता हैं जिनको एक जिला के बाद दूसरा जिला जानता ही नहीं है। लेकिन हमारे देवता वैसे हैं जिनको भारत नहीं
बल्कि पूरा संसार जानता है, उनके शान में एक लाइन समर्पित है। बोला तो नहीं,